अर्चना जी बताया जाए शादी के बाद क्या हुआ, क्या विवाद हुआ? शादी के बाद स्कॉर्पियो को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। प्रताड़ित किसके द्वारा किया जाता था? सास, ससुर, ननद, ननदोई और पति के द्वारा। फिर उसके बाद मुझे घर पे मेरा फ़ोन छीन ले गया, मुझे घर पे बात नहीं किया दिया जाता था लोग। उसके बाद मुझे जहर भी दिया था लोग जान छुपाने के लिए। जब मैं रोने ठीक आने लगी तो फिर इलाज वाज करवाया लोग। फिर पापा गए मिलने के लिए तो बोला लोग कि ले जाइए, सब ठीक होगा तो हम बुलाएंगे। फिर उसके बाद फिर ना आया लोग, यहाँ से फ़ोन करने के बाद भी वो लोग गाली गलौज करता था लोग, मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया करता था लोग। उसका सबसे ज़्यादा हाथ उनके नंदोई बहनोई हैं, श्री नारायण ऊँचा मास्टर वही हैं, उसके जो मेन हैं। इस बात को लेकर पुलिस में शिकायत भी आपने की है? पुलिस की शिकायत की गई। फिर उसमें क्या मामला हुआ? पुलिस में अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरी लड़की है, इसकी शादी हमने 26/4/2021 को हिंदू रीति रिवाज के साथ मरहौरा में पकहा मरहौरा पकहा स्टेशन रोड में है नीरज कुमार सिंह के साथ हमने की। शादी के बाद से सारी रस्मों को पूरा करते हुए वहाँ इच्छी तब वो लोग स्कॉर्पियो की मांग दहेज में करने लगे। दहेज तुम्हारा बाप जब तक स्कॉर्पियो नहीं देगा तुमको हम इस घर में नहीं रखें। किसी तरह एक दो महीना वहाँ रही, इसके बाद इसको जान मारने की नीयत से जहर भी खिलाया गया। हम लोग फंस रहे हैं तो वो लोग अपना इलाज उलाज करवाए, हम लोग फ़ोन कर रहे थे तो फ़ोन भी नहीं वो लोग रिसीव कर रहे थे। हम लोग इस बात की जानकारी नहीं, बाद में हमको पता चला कि कैसे ऐसी घटना घट गया। तो फिर हम लोग गए वहाँ तो किसी तरह अपनी लड़की को बोले कि जब तक स्कॉर्पियो नहीं दीजिएगा तब तक आपकी बेटी यहाँ नहीं रहेगी। हम बहुत समझाया बुझाया उन लोगों को, दो चार थोड़े और लोग गए वहाँ समझाने बुझाने के लिए, ये किसी का बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर जब तक स्कॉर्पियो नहीं दीजिएगा तब तक ऐसा ही रहूँगा। आपका नाम? मेरा नाम अरुण कुमार ठाकुर हुआ। घर? पुत्री है इसका नाम अर्चना कुमारी हुआ। घर? घर मेरा धनुपुर धनगढ़ा बनियापुर में है। शादी अपने कहाँ की थी बेटी की? मरहौरा में स्टेशन रोड मालगुदाम पोस्ट ऑफिस के बगल में। किनके यहाँ? लड़के का नाम? नीरज कुमार सिंह से शादी हुई थी, पिता का नाम उसका चंद्रकेत सिंह है। कब शादी हुई थी? 26/4/2021 को। इस मामले में आपने कोर्ट परिवाद भी या केस भी किया है? हम थाना में गए, थाना में केस किया। निर्देश है ना कुर्की हो रही है, ना गिरफ्तारी हो रही है, ना हमारी लड़की को ही रख रहे हैं। डीएसपी साहब ने कुर्की जब्ती का आदेश भी निकाला? आदेश निकाल दिया। इसके बाद हम जाकर के पुलिस कप्तान से भी मिले 16/4/22 को।